तो हेलो गाइस, मेरा नाम अथलान खान और आप देख रहे हैं इंटरनेक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं इंडोनेशिया रिप्लेस इट्स कैपिटल जकार्ता विद नुसंतारा। तो चल के देख लेते हैं वीडियो। लेकिन आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। नमस्कार दोस्तों, फाइनली इंडोनेशिया ने फैसला ले लिया है कि वो जो अपना कैपिटल है जकार्ता, उसको बदल देगा। 2024 तक बताया गया है कि जो कैपिटल है वो जकार्ता से शिफ्ट होगा। तो नुसंतारा के लिए जो पूरा बिल वगैरह होता है पार्लियामेंट से पास कराना होता है, वो सब कुछ यहाँ पर इंडोनेशिया ने कर लिया है। ये आप देख सकते हो, इंडोनेशिया नेम्स न्यू कैपिटल दैट विल रिप्लेस जकार्ता। इसको डिटेल से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कारण है कि एक देश को अपना जो पूरा कैपिटल है उसी को शिफ्ट करना पड़ रहा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नए कैपिटल की जो लोकेशन है एग्जैक्टली कहां पर है। हाँ, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते लोकेशन कहां है न्यू कैपिटल। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर हमें अपने देश के अंदर भी कोई भी बड़े चेंजेस करने हैं तो पार्लियामेंट से लॉ पास कराना होता है। इसी को देखते हुए इंडोनेशिया ने भी यहां पर एक बिल को पास कर दिया है जिसके तहत जो कैपिटल है इस समय इंडोनेशिया की जकार्ता, उसको शिफ्ट करके बोर्नियो आइलैंड पर जगह वहां पर कर दिया जाएगा। मैं आपको पहले इसकी लोकेशन अच्छे से दिखाता हूं। देखिए, यहां पर आपने आसियान देशों के बारे में सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 10 कंट्रीज आते हैं। तो इसमें जो एक काफी बड़ा देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ध्यान रखना है, कई सारे आइलैंड मतलब करीब बताया जाता है कि 1750 के आसपास आपको टोटल इंडोनेशिया के अलग अलग आइलैंड्स मिलेंगे। लेकिन जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट बड़े आइलैंड्स हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप फर्दर देख सकते हो सुमात्रा, जावा और बोर्नियो आइलैंड। तो यहाँ पर इस समय जो अगर आप कैपिटल देखोगे तो वो आपको जकार्ता, जो जावा है, ये वाला जो आइलैंड है जावा, वहां पर जकार्ता इधर देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी कैपिटल बताया जा रहा है कि शिफ्ट करके बोर्नियो आइलैंड पर कर दिया जाएगा। बोर्नियो एक इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो आइलैंड है बोर्नियो, ये सिर्फ इंडोनेशिया का नहीं है, यहाँ पर आपको तीन देश देखने को मिलेंगे। बोर्नियो आइलैंड पर आप देख सकते हो ये वाला जो बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला पार्ट है वो इंडोनेशिया का है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो पूरा, ये आपको मिलेगा मलेशिया का। मलेशिया यहाँ पर भी है और मलेशिया जो है जैसे मैंने बताया यहाँ पर इस वाले आइलैंड पर भी देखने को मिलता है, बोर्नियो आइलैंड पर। और एक और छोटा सा लेकिन काफी ज्यादा रिच कंट्री है जिसका नाम है ब्रुनेई, अक्सर आप सुनते होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीन देश है यहाँ पर। तो ये जो कैपिटल मैं बात कर रहा हूँ वो आपको बोर्नियो आइलैंड पर, बोर्नियो आइलैंड पर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया की कई सारे प्रोविंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कलिमांटन, कलिमांटन इसको बोला जाता है, यहाँ पर आप देख पाओगे अगेन ईस्ट कलिमांटन, सेंट्रल हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पर ईस्ट जो कलिमांटन है यहीं पर इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये कैपिटल जो नुसंतारा है वो होने वाली है। मतलब कि जो कैपिटल का नाम होगा वो क्या होगा, नुसंतारा, लेकिन वो कौन से प्रोविंस में होगा, ये होगा ईस्ट कलिमांटन प्रोविंस के अंदर। फर्दर आप देख सकते हो यहाँ पर करंट कैपिटल जकार्ता से इसको शिफ्ट करके यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी को देखते हुए जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है इस समय जोको विडोडो, उन्होंने इसको लेकर 2019 में ही प्लान को अनाउंस कर दिया, लेकिन फाइनली जाकर इसका जो बिल वगैरह है ऑफिशियल जो भी कुछ होना है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और विडोडो ने उस समय बेसिकली जो एनवायरमेंटल इशूज है, फाइनेंशियल इनइक्वालिटी है, कई सारी चीजों का हवाला दिया था, मैं आपको आगे बताऊंगा वो कारण क्या क्या है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 में ही जोको विडोडो के द्वारा बोल दिया गया था कि सरकार ने यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी किया है पिछले तीन वर्ष से, और फाइनली यहाँ पर जो नया कैपिटल है वो ईस्ट कलिमांटन में बनाने का यहाँ पर सोचा है। और इसको लेकर ट्यूसडे को ही, कल की बात है, वहां की पार्लियामेंट से जो भी बिल वगैरह है वो पास किया गया है। अब इस पर्टिकुलर बिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसको लेकर एक कमिटी सेटअप किया गया था। और यहाँ पर मैं एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, नुसंतारा मैंने आपको बताया जो वो आपका, इसको IKN भी बोला जाएगा शॉर्ट में, IKN। तो IKN बेसिकली क्या है, यही जो नया कैपिटल होने वाला है, कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, वो वही है, सेम चीज है, इसका शॉर्ट फॉर्म IKN है। और इसको करने के लिए, इसको ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए, चेंज करने के लिए फाइनल जो प्रेसिडेंट का डिग्री होता है वो यहां पर पास किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जो नया कैपिटल बनेगा
उसको लेकर बहुत सारी चीजें करनी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होगी। तो इसको लेकर जो हेड ऑफ द स्टेट कैपिटल अथॉरिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितनी भी ड्यूटीज हैं, फंक्शंस हैं, डेवलपमेंट है, रिलोकेशन है, वो सारी चीजें वहां पर किया जा सके। और इसके लिए आप देख सकते हो कि अलग से जो लैंड है ईस्ट कलिमंडल में, मैंने आपको बताया नूर सरंतरा जो पूरा आपका कैपिटल बनाया जाएगा उसके लिए 256,000 हेक्टेयर इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर सेपरेट रख दिया गया है। और बताया जा रहा है कि 2024 तक इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब जो भी पहला ऑफिशियली होने वाला है वो 2024 में होगा। और उसके बाद से बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फॉरेन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे एम्बेसीज वगैरह, सब कुछ आपका वहाँ पर नूर संतरा में शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम कैपिटल सिटी के विजन की बात करें तो बताया जा रहा है कि वर्ल्ड सिटी विजन के तौर पर इसको बनाने की कोशिश की जाएगी, एक प्रकार से जो सस्टेनेबल सिटी होता है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी की काफी बड़ी दिक्कत होती है, वाटर रिसोर्स को लेकर, फ्लडिंग ना आ जाए, बहुत सारे चीजों को देखते हुए यहाँ पर इसको डिजाइन और मैनेज किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। फर्दर इसके अंदर बोला गया है कि इंडोनेशिया की जो फ्यूचर इकोनॉमी है उसका एक ड्राइवर की तरह काम करेगा ये वाला, और एक नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल होगा इंडोनेशिया के लिए, वहां के पूरे लोगों के लिए। इसके अगर बजट की बात करें तो कोई अभी तक डिटेल में बजट नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक बताया जा रहा है कि करीब 33 बिलियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर लगाए जाएंगे इस कैपिटल को बनाने के लिए। और इसके अलावा जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सबके जो ऑफिसेज हैं, होम्स हैं, सबको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसको भी नए कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार क्या इतनी बड़ी जरूरत पड़ पड़ी जिसकी वजह से जो कैपिटल है उसी को देखिए, एक जो मेजर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। एक तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है और दूसरा है पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज्यादा जकार्ता जो प्रेजेंट में कैपिटल है जकार्ता। और आप देखोगे प्रीवियस इंडोनेशियन प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने कोशिश किया था कि यहाँ पर कैपिटल को शिफ्ट किया जाए, बात चल रही थी, लेकिन वो उतना हो नहीं पा रहा था। 2019 की स्पीच में भी जोको विडोडो ने अपना बोला था कि ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अर्बन एरियाज के करीब होगा, इंडोनेशिया के सेंटर में होगा, जो जकार्ता है इस समय उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, काफी हैवी ट्रैफिक है, गवर्नेंस सिस्टम, बिजनेस, फाइनेंस, ट्रेड, सर्विस, इंडोनेशिया का ज्यादातर चीजें आप देखोगे तो वो वहीं होता है। जकार्ता से इस बर्डन को कम करने की आवश्यकता थी, इसी के लिए ये किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो जो इंडोनेशिया की अगर आप इंडिपेंडेंस देखोगे तो 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ था। इनफैक्ट इसका जो आजादी ये लोग मनाते हैं वो 17 अगस्त, हमारा 15 अगस्त है, इनका जस्ट दो दिन के बाद आता है 17 अगस्त। तो 1949 से ही जकार्ता वहां का कैपिटल बना हुआ है और बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है। इनफैक्ट पिछले कई दशकों से अगर आप देखिए तो एक्सट्रीम पॉल्यूशन वहां पर देखने को मिलता है, हाई रेट ऑफ पॉल्यूशन मिलता है। अगर विश्व के ज्यादातर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में जब नंबर आता है तो जकार्ता उसमें हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉल्यूशन वगैरह के कारण ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा मैंने आपको बताया इनइक्वालिटी की भी चर्चा होती है। इनइक्वालिटी मतलब एक तो मॉनेटरी टर्म्स में या फिर जो भी सोशियो इकोनॉमी इनइक्वालिटी हो गया, जिस भी टर्म्स में आप देखोगे तो वहां पर जकार्ता और बाकी अगर आप रीजन से कंपेयर करो, जैसे कि अगर आप देखिए यहां पर इंडोनेशिया का ये पूरा इतना बड़ा फैला हुआ है इसके अलग अलग, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि जावा जो आइलैंड है सिर्फ ये छोटा सा आइलैंड है, बाकी तीन मेन आइलैंड से अगर आप कंपेयर करो, लेकिन ओवरऑल जीडीपी अगर आप देखिए तो 58% करीब जीडीपी अकेले यहीं से आती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर वेल्थ आपको यहीं पर कंसंट्रेटेड देखने को मिलेगा। और जो कलिमंटन मैंने आपको बताया यहाँ पर सिर्फ 8% जीडीपी आती है। तो फर्दर शिफ्ट करने का एक और कारण बताया जा रहा है कि इनइक्वालिटी वगैरह कम किया जाएगा, कैपिटल शिफ्ट होगा तो वहां पर रिसोर्सेज भी होंगे, लोगों का उद्धार भी होगा, ये सारी चीजें भी बताई जा रही हैं। इनफैक्ट अगर जकार्ता की देखिए, अगर आप उसका एरिया देखोगे जकार्ता का, इट इज जस्ट 661 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन वहां पर कितना है, कहीं ज्यादा है इन कंपेरिजन टू कालीमंटन जहां पर अभी नया कैपिटल बनेगा। वहां पर आप एरिया देखिए बहुत ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन काफी कम है, तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कैपिटल शिफ्ट होने का, वो है सिंकिंग कैपिटल। जकार्ता को सिंकिंग कैपिटल बोला जा रहा है और बताया जा रहा है कि 2050 आते आते ज्यादातर हिस्सा जकार्ता का जो कैपिटल है इस समय वो आपका पानी में डूब जाएगा। तो जरूरत था कि उसके पहले ही यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाए, क्योंकि जकार्ता में आप देखोगे तो वहां पर वो पूरा मल्टीपल कई सारे रिवर से सराउंडेड है, तो फ्लड वगैरह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती रहती है वहां पर। इनफैक्ट यहां पर जो स्टडी वगैरह किया गया था उसमें यही बताया गया था कि यहां पर बहुत सारे जो एरियाज हैं जावा के वो आपके पानी में डूब जाएंगे और लगातार डूबते जा रहे हैं, हर साल कुछ सेंटीमीटर आप देख सकते हो यहां पर ये डूबते जा रहे हैं। 10.7 सेंटीमीटर। ये भी बताया जाता है कि डेवलपमेंट की वजह से जो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन किया गया है उसकी वजह से काफी ज्यादा वहां पर दिक्कत हो गई है जकार्ता में।
तो ये सारे मेन कारण आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि आखिरकार क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो नया कैपिटल है उसको लेकर हाँ। भी थोड़े बहुत कंसर्न्स दिखाए गए हैं एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट के द्वारा। बेसिकली अगर आप देखिए तो ये जकार्ता से जो नया कैपिटल होगा वो इट विल बी अराउंड 2300 किलोमीटर दूर यहाँ से। नया कैपिटल है वहां पर बहुत सारा वाटर रिसोर्स और कई सारे जो स्पीसीज हैं हैबिटेबल टेरेन आपको देखने को मिलेंगे। काफी रिच है फ्लोरा और फौना में यहाँ बोर्नियो आइलैंड पर जो नया कैपिटल बनेगा काफी रिच है ओवरऑल स्पीसीज में अगर आप देखोगे। तो कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि कैपिटल को शिफ्ट करने की वजह से काफी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, यहाँ पर लोग वहां पर रहने आएंगे जिसकी वजह से जो एनिमल्स और ट्रीज हैं उनको काफी बड़ा डेंजर और खतरा होने वाला है। और आपको पता ही है कि विश्व के कई सारे हिस्सों में ये, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपको इक्विटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलेगा तो काफी ज्यादा घने जंगल वगैरह इस पूरे आइलैंड पर बोर्नियो आइलैंड और इधर देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है कि वहां पर शिफ्ट करके अगेन यहाँ पर हम जो ओवरऑल एनवायरमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली जाने से पहले यहाँ पर इसके नाम के बारे में भी बात कर लेता हूँ आपसे, नू संतरा। तो नू संतरा जो है ये जो नाम बेसिकली दिया गया है ये ओल्ड जैवनीज टर्म है, इसका बेसिक मतलब होता है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब है कि जो आइलैंड्स होते हैं ना कई सारे उसी को ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहा जाता है आर्किपेलागो। और बताया जा रहा है कि करीब 80 नाम सोचा गया था कि क्या नया नाम रखना है, उसमें से नू संतरा रखा गया क्योंकि काफी फेमिलियर है इंडोनेशिया के लिए। अगर आप देखोगे तो वहां पर इसको याद रखना आसान है, फेमिलियर है वहां के लोगों के लिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, सोशियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से इसको रखा गया है। और ये एक प्रकार से पूरे इंडोनेशिया को रिप्रेजेंट करेगा, नेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसका नाम नू संतरा रखा जा रहा है। ओके, तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया एंड आज मुझे पूरी बात इस वीडियो में पता चल गई कि किस लिए ये कैपिटल शिफ्ट हो रहा है। और जब मुझे ये पता चला तो मैं शॉक्ड हो गया यार कि जकार्ता सिटी मतलब कैपिटल सिटी शिफ्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया की, तो मैं शॉक्ड हो गया यार। तो फिर मैंने इसी बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि हाँ ये बात सच है। मुझे पहले तो लगा कि झूठ है क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री का यार कैपिटल शिफ्ट हो जाए तो काफ़ी बड़ी बात हो गई है। और जैसे बताया कि पॉपुलेशन की वजह से हाँ जकार्ता में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, 33 मिलियन, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाफिक होती है जकार्ता में, और इसीलिए अब शिफ्ट कर रहे हैं नू संतरा। नाम भी बहुत ही प्यारा लगा मुझे नू संतरा, 80 नाम मतलब 80 नाम में से एक नाम सिलेक्ट किया गया जो बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा मतलब नाम में ही काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या नाम रखें, जो अच्छा लगा भी नू संतरा मुझे अच्छा भी लगा ये नाम। एक जकार्ता से थोड़ा मिलता जुलता है, जैसे नू संतरा जकार्ता टाइप थोड़ा सा मिलता भी है। और काफ़ी ज़्यादा बताया कि जकार्ता सिटी आगे फ्यूचर में ये पूरी फ्लोड में डूब जाएगी, ये मुझे नहीं पता था कि पानी में ये चला जाएगा ये सिटी 2050 तक की। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने जब देखा कि रिसर्च में ये सब आया है तो गवर्नमेंट ने सोचा कि पहले ही कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। और जैसे मुझे ये बड़ा शॉकिंग था कि 60% रेवेन्यू सिर्फ जावा आइलैंड से आता था इंडोनेशिया का, और बाकी आइलैंड से तो बहुत ही कम ही आता था। और इसलिए भी ये भी फैक्टर है कि उधर से मतलब शिफ्ट कर देंगे तो उधर के भी मतलब वो आइलैंड भी डेवलप होने शुरू हो जाएगी, ग्रो करेंगे वो भी। तो अब उधर भी जब न्यू कैपिटल बनेगा तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वहाँ पे, सब ऑफिसेज ये वो सब कुछ होगा। लेकिन ये नहीं पता था कि 2019 से ये प्लान चल रहा था, मुझे लगा कि अचानक ही है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट हो गया। लेकिन पता चला कि 2019 से प्रोग्राम चल रहा है और 24 तक ही हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।